गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम शारदा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. टू आवर टुडेज टॉपिक इज फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर. अब हमको स्टडी करना है फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर के बारे में. ये सबसे पहले क्या होता है, जनरली रिमोट एरिया और गाँव में इनका यूज होता है जहाँ पे लाइट की कमी पड़ती है. तो हम रिमोट एरिया या गाँव में यूज नहीं हो, ये लाइट नहीं हो पाता, तो हम इसका यूज करते हैं. जनरली ये सोलार पे ही काम करता है. आज की डेट में सोलार का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है. हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें. इसमें एक प्लेट होता है, एक इन्वर्टर होता है. प्लेट में भी बहुत सारे टाइप्स अंदर होते हैं. इसमें पी टाइप और एन टाइप का होता है. एक मैग्नेटिक प्लेट होता है. जब सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले नीचे अलग बीच वाले साइड में थिक साइड का पी टाइप का कंडक्टर होता है और ऊपर में क्या होता है एन टाइप का कंडक्टर होता है. और उसके ऊपर मेटल फिंगर होता है. मेटल फिंगर एक पतली टाइप की है जो हमको यहाँ पे दिख रही है. मेटल फिंगर है, ये मेटल फिंगर है. और उसके जस्ट नीचे में रहता है एन टाइप, और एन टाइप के नीचे में होता है पी टाइप, और पी टाइप के नीचे में होता है एक मेटल कलेक्टर होता है. अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे. जब सन रेस इस पे स्ट्राइक करता है तो ये अंदर में क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप के बीच में एक डिफ्यूजन लेयर होता है. तो डिफ्यूजन लेयर क्रिएट होता है. तो डिफ्यूजन लेयर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी टाइप की तरफ चले जाते हैं जो होल को क्रिएट करते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं माइनस होता है, वो इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ चले जाते हैं. जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. अब इसमें क्या होता है, जो एन टाइप होता है बहुत पतला होता है, वो होता है जनरली 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, और जो पी टाइप होता है वो 300 माइक्रोमीटर का होता है. अब इसमें देखते हैं क्या होता है. इसमें एक इन्वर्टर होता है, एक लाइट होता है, और एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर को शो करता है. जनरली क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो हमको कहीं इसको सेव करके रखना रहता है. तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इन्वर्टर में सेव करते हैं, और इसका यूज अमीटर और वोल्ट मीटर के रीडिंग से हमको पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ है. अब क्या होता है, इसमें सेमी सिलिकॉन कंडक्टर होता है जो एन टाइप और पी टाइप का होता है, और जो एन टाइप होता है वो ऑर्गेनिक आर्सेनिक का होता है, और जो पी टाइप होता है बोरॉन और कैडमियम का होता है. रेडी. अब क्या होता है, इसमें एन टाइप का जो थिन प्लेट होता है उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्राइक करती है हमारी जो सन की रेस है. अब उसमें क्या होता है, इसको इसलिए पतला रखा जाता है कि जनरली यदि हम तीन टाइप का रखेंगे, इसमें एक रहेगा पी टाइप का, पी टाइप जनरली मोटा रखता है और एन टाइप पतला रखता है, और एक ऊपर होता है मेटल फिंगर, तो मेटल फिंगर जस्ट ऊपर में रहता है, तो मेटल फिंगर पर और उसके नीचे में क्या रहता है एन टाइप. तो एन टाइप पतला इसलिए रखते हैं कि जो रेस होती है सन की वो बहुत जल्दी इनसे कांटेक्ट में आ सके. यदि मोटा रखेंगे तो इनसे कांटेक्ट में टाइम लगेगा, तो एन टाइप को ऊपर में रखते हैं. अब क्या होता है, मेटेलिक फिंगर जस्ट इसके ऊपर में रखते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटेलिक फिंगर की ओर कॉन्टेक्ट में आते हैं, और जो पी टाइप का रहता है होल उसके तरफ कॉन्टेक्ट प्लेट होता है वो उस तरफ से दूसरी तरफ से आते हैं, और दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है माइनस चार्ज होता है एन टाइप की तरफ, और पी टाइप की तरफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है. जो इसमें हम शो तो नहीं कर सकते, हम इसको हमको एक ब्लैक बोर्ड या हमारे जो कॉपी या किसी में डायग्राम में हमको शो करना पड़ेगा. अब क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी पाथ को कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो ही को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है. अब क्या होता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसलिए है कि सबसे एडवांटेज मेन है कि इसको हम सन रेस यानी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है हम उसको यूज ना करके ये सोलार पैनल का यूज करेंगे. इसका एक और है, ये ज्यादा महंगा नहीं होता, और ये अब इसका एडवांटेजेस में आगे आइए है कि जनरली इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और ये इकोनॉमिकल है, और इसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम मूव भी कर सकते हैं, इसको मूव करने में आसानी होती है. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये अदर वेदर में जैसे हम बरसात है उसमें हम इसको यूज नहीं कर सकते,
और इसका क्या होता है, प्लेट जो होता है बहुत महंगा होता है, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, जनरली हम इसको खुद मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ये बहुत महंगा पड़ जाता है।